नमस्ते, वन पीएम लाइव में आपका स्वागत। इस समय जब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, चारों तरफ सारे सियासी दल जो है वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने अपने जो एजेंडे हैं, जो नैरेटिव हैं, उनको सेट करने में लगे हुए हैं। एक के बाद एक लगातार कई सारी जो रणनीतियां हैं वो सामने आ रही हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हो या भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा एजेंडा है राम मंदिर का वो। तो जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सारे सियासी दल जो है वो तैयारी में लगे हुए हैं, एक एक करके वो अपनी अपनी नीतियों के तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं इस बीच में राजस्थान से एक बड़ी खबर आती है। दरअसल राजस्थान में लगातार पिछले तीन चुनावों से हम बात करेंगे, 2013, 2018 और 2023 के विधानसभा चुनावों की, तो उसमें हर बार जो विधानसभा की 200 सीटें हैं उसमें से 199 सीटों पर ही वोटिंग हो पा रही है। साल 2013 में चुरू की जो सीट थी उसमें बीएसपी के उम्मीदवार जो थे जगदीश मोटवाल, उनका निधन हो गया था, उसके चलते 199 सीटों पर ही इलेक्शन हुए थे। फिर साल 2018 में रामगढ़ की सीट पर बीएसपी के ही उम्मीदवार जो थे लक्ष्मण सिंह, उनका निधन हो गया था, उसके चलते 199 सीटों पर वोटिंग हुई थी। और अब साल 2023 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह कुनूर, उनकी उनके निधन के चलते करणपुर की जो सीट थी वो खाली रिक्त रह गई थी, जिस पर चुनाव नहीं हुआ था, उस पर अब चुनाव हुआ। इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर गुरमीत सिंह कुनर के बेटे रुपिंदर सिंह कुनर को उम्मीदवार बनाया था। और बड़ी बात यह है कि रुपिंदर सिंह कुनर ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, उनको हरा करके और ये सीट जो है कांग्रेस की झोली में डाली है। दरअसल ये मुद्दा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि 10 दिन पहले, 10-11 दिन पहले, ठीक 30 दिसंबर को जब भजन लाल शर्मा का कैबिनेट बना था, तो उस मंत्रिमंडल में जो है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भारतीय जनता पार्टी ने जगह दी थी। मंत्री बनाए जाने के बाद उनको चुनाव के मैदान में उतारा था भारतीय जनता पार्टी ने, और वो अपनी जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त थे। उनका जो बयान है उसको अगर देखा जाए तो जिसमें वो कहते हुए सुने जा रहे हैं कि क्षेत्र की जनता बड़ी समझदार है और फलाना ढिमका, लेकिन क्षेत्र की जनता ने जो परिणाम रहे वो उनके विपरीत आ गए और अब उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। कहा यह जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो है उसके अति आत्मविश्वास का ये नतीजा है, और कहीं ना कहीं राजस्थान में एक ट्रेलर जो वहां की जनता ने दिखाया है 2024 के मद्देनजर वो काफी अहम माना जा रहा है, और इसे भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है कि अभी 10 दिन पहले कैबिनेट में उनको जगह दी जाती है और फिर अब जो है उनको इस्तीफा देना पड़ गया, उनका वो जो है चुनाव नहीं जीत पाए। आमतौर पर उपचुनाव के लिए कहा यह जाता है कि ये सरकार के फेवर वाला चुनाव होता है, सरकार के लिए आसान होता है चुनाव जीतना, हालांकि पिछले कुछ चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में रिकॉर्ड काफी खराब होता जा रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ लिया था और गोरखपुर की संसदीय सीट जो है वो उन्होंने छोड़ी थी, तो उसके बाद वहां पर भी उनको हार का सामना करना पड़ गया था। फिर अभी जो हालिया घटना के तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना के तौर पर दारा सिंह चौहान को इस्तीफा दिलवाया गया और फिर वहां से चुनाव मैदान में उतारा गया जिस वहां सीट से, और ओम प्रकाश राजभर और ये सारी जो घटनाएं हुई और जिस तरीके से पूरी सरकार दारा सिंह चौहान को मिलकर भी नहीं जितवा पाई, तो उस तरीके से ये सारी चीजें एक के बाद एक लगातार भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है, वनस्पत इसके कि उनकी सरकारें उस जगह पर काम कर रही हैं, वहां पर उनकी सरकार है और सरकार के फेवर वाले चुनाव उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल ये जो मुद्दे हैं आज के हम इस चर्चा में इसको समझेंगे कि क्या 2024 के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा ये राजस्थान के लिहाज से। दरअसल इस जो हम जब आंकड़ों पर नजर डालें तो टीटी जो है वो करीब 11,283 वोटों के बड़े अंतर से हारे हैं। जो आंकड़े हैं उसमें 94,950 वोट जो है वो रुपिंदर सिंह के खाते में गए हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर, वहीं 83,667 सीटें जो जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हिस्से में आए। तो ये जो सारे आंकड़े हैं, अब जीत के लिहाज से अगर संख्या की हम बात करें तो 200 सीटों वाली इस विधानसभा में अब 70 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास हो गई हैं और 115 भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे जिस तरीके की संख्या थी, अब ये संख्या काफी अहम हो गई है। तो आज की जो हमारी चर्चा है उसमें हम इस चीज पर बात करेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, क्यों आखिर इस चीज को इतना महत्व दिया जा रहा है एक उपचुनाव हारने को लेकर के। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे साथ अशोक माथुर सर हैं,
फिरोज हैं हमारे साथ राजस्थान से। आप सर दो, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अभी और लोग भी इसमें जुड़ने चाहिए। अशोक माथुर सर, मैं सीधे आपके पास आऊं। सर, ये जो जिस तरीके से उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारने से पहले ही मंत्री बना दिया, उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई और अब वो मंत्री पद गंवाना पड़ गया, कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? क्या मंत्री बनाना भारी पड़ गया भाजपा को? ये जो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि इसमें कई समीकरण काम कर रहे थे। इस चुनाव के अंदर बहुत ज्यादा वोटों से तो कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस जीत गई है। और इसका बड़ा कारण क्या है? किसानों ने अभी तक भाजपा को स्वीकारा नहीं है। ये बात इसमें समझने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति और उनका व्यवहार अभी तक किसानों के अनुकूल नहीं है। ये जो करणपुर रायसी नगर का गंगानगर जिले का ये जो बेल्ट है, ये पूरा का पूरा पिछले किसान आंदोलन में बहुत जबरदस्त तरंग से आंदोलित था और दिल्ली के पड़ाव में भी यहाँ से लोकवाद गए थे। उन किसानों में अभी भाजपा के प्रति कोई सहानुभूति या कोई विश्वास नहीं है कि भाजपा इनके कल्याण के लिए कोई काम करेगी। उसके अलावा एक बड़ी बात थी कि भाजपा का ओवर कॉन्फिडेंस और भाजपा का घमंड कि भाई अब तो हमने जीतना ही है, इसलिए टीटी को पहले ही मंत्री बना दें। टीटी भी स्थानीय स्तर पर उनका व्यवहार और उस प्रकार से लोगों में लोकप्रिय तो है, लेकिन भाजपा ओवरऑल पार्टी का जो घमंड था वो टीटी को ले बैठा, क्योंकि लोगों को ये लगा इन्होंने तो ये समझ लिया कि ये जीतेगा ही और ये मंत्री बनेगा। जब रिजल्ट ही अगर चुनाव से पहले ही मंत्री बना दिया गया तो लोगों में ये आम बात थी कि भाई इन्होंने को तो पूरा ही पूरा ये है कि ये निकलेंगी। इसका कई तरह के लोग कयास लगा रहे थे, जिसमें मतदान के अंदर होने वाली गड़बड़ी, वो मशीन की गड़बड़ी और दूसरी गड़बड़ी, कैसे भी करके ये टीटी को जिताएंगे और जिता के मंत्री तो इसको पहले बना दिया। कुछ लोग जरूर जो व्यापारी दिमाग के होते हैं वो जरूर ये सोचते थे कि भाई भाजपा की सरकार और भाजपा का उम्मीदवार ही जीत जाए तो अपने इलाके के लिए फायदा देगा, लेकिन ऐसा मतदाता ने नहीं सोचा। जो कॉमन मतदाता था उसने नहीं सोचा और उसने ये सोच करके कि भाजपा का जो घमंड है या भाजपा का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, दोनों को ही तोड़ना उचित रहेगा, इसलिए ये चुनाव परिणाम निकल के आए। कांग्रेस पार्टी का इस क्षेत्र में अपना एक कुन्नर जो परिवार है उनका अपना एक व्यक्तिगत प्रभाव भी है और व्यक्तिगत प्रभाव पूरे गंगानगर जिले में उनका, और उस प्रभाव का भी और एक सहानुभूति का वोट भी उनको मिला है। उनके पिताजी के देहांत होने का जो एक सहानुभूति की लहर थी वो भी उनके प्रति थी। लोगों में ये था कि भाई ठीक है, इसी परिवार को चलाओ। और पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि गंगानगर जिले की राजनीति में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। उस परिवर्तन में यह भी एक बड़ी बात थी कि जो कांग्रेस को लाभ दे गई। कांग्रेस पार्टी को अभी बहुत कुछ करना है। इससे लोकसभा चुनाव का आप कोई अंदाज ना लगाइए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है और इसके दक्षिणी राजस्थान की पृष्ठभूमि अलग है, पश्चिमी राजस्थान की अलग है। ये गंगानगर जिले की एक अलग तरह की पृष्ठभूमि में रहता है ये इलाका, तो उसकी अलग पृष्ठभूमि है। लेकिन इस चुनाव के रिजल्ट से कांग्रेस के अंदर एक तरह से जान आ गई या उनकी उमंग और जोश बढ़ गया है। इसका मतलब क्या है कि जनता ने उनसे कहा है आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस के लोग अगर इस उत्साह के साथ में अभी से काम करना चालू कर दें और ये मान लें कि कल ही चुनाव होना है, उस दृष्टिकोण से काम करना चालू करें और काम करके लोगों तक जाएं और अपना स्पष्ट एजेंडा किसानों के प्रति, जिसमें महत्वपूर्ण बात है जमीन का मुद्दा, जिसमें महत्वपूर्ण बात है पानी का मुद्दा, इसी ढंग से खाद का मुद्दा भी एक है कि जब फसल की जरूरत होती है तब इलाके में अगर खाद सही दामों पे मिल जाए, ये सब मुद्दे लोगों के सामने हैं। और किसान को हर पल, अभी जैसे कोहरा पड़ा, इस कोहरे के अंदर भी बड़ी फसलें खराब होंगी, कुछ जगह फसलें अच्छी भी होंगी, इस कोहरे से फायदा भी होगा, लेकिन किसानों के मुद्दों को लेकर के कांग्रेस डे टू डे का प्रोग्राम अगर बना ले तो हो सकता है लोकसभा चुनाव में भी रिजल्ट आए। क्योंकि जो बीजेपी का संभावित उम्मीदवार है वो काफी टाइम से एमपी हैं, निहाल चंद वहां से, तो और काफी टाइम से हैं, उनसे कुछ लोग खुश भी हैं, कुछ लोग ना खुश भी होंगे, और उस सब का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इधर जो किसानों में और संगठन थे, लेफ्ट के संगठन जैसे सीपीएम का किसान सभा थी, सीपीआई की किसान सभा है, वो लोग मैदान में अभी नहीं है। और पता नहीं जो कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन बना रही है
उसमें सीपीआई सीपीएम की क्या भूमिका होगी, उनके लिए कौन सी सीट छोड़ेंगे, और इसके पास का इलाका तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इलाका था, सीपीआई का रायसीनगर का इलाका जो बिल्कुल पास में एडजॉइनिंग है। लेकिन ये जो एक विशेष बात इसमें यह है कि पंजाब का असर इस इलाके पे पड़ता है, और पंजाब का जो असर इस इलाके पे पड़ता है, पंजाब में जो रेडिकल मूवमेंट है वो डे टू डे आगे बढ़ रहा है, कीर्ति किसान सभा जो है वो डे टू डे आगे बढ़ रही है, और उसका असर गंगानगर जिले पे, गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जिलों पर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर है, और वहाँ के कार्यकर्ता आते जाते हैं, वहाँ के सांस्कृतिक मंडलियाँ आती हैं, और उन सब का असर इस इलाके पे जरूर जरूर पड़ता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को अभी से सक्रिय होना चाहिए, और जो भी भाजपा विरोधी समूह है उन समूहों के साथ में कोई ना कोई तालमेल बैठाना चाहिए। बहुत से समूह ऐसे भी हैं गंगानगर जिले में जो चुनाव तो नहीं लड़ते लेकिन उनकी अपनी पकड़ है, और उस पकड़ के आधार पर वो लोग कुछ ना कुछ वोटों में फर्क डालते हैं। अगर हम ये घमंड करके चले जाएं, कांग्रेस ये मान के चली जाए कि करणपुर जीत लिया इसलिए अगला लोकसभा चुनाव भी जीत लेंगे, तो इस बैठने से काम नहीं चलने वाला। अभी से उनको बहुत ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा सक्रिय होने के मुद्दे भी बहुत स्पष्ट हैं, और उन स्पष्ट मुद्दों को लेकर चलना पड़ेगा। ये वो इलाका भी है जिसका कनाडा से भी ताल्लुकात है, ये वो इलाका भी है जिसका ऑस्ट्रेलिया से बड़ा ताल्लुकात है, यहाँ पे काफी परिवार ऐसे हैं जिनकी न्यू जनरेशन वहाँ है, और न्यू जनरेशन को आप दरकिनार करके नहीं चल सकते क्योंकि वो फाइनेंशियल सोर्स भी उनके पास मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनौतीपूर्ण काम तो है ही, गंगानगर जिला खास तौर से, और इसमें कांग्रेस को ये काम करना ही पड़ेगा, और कांग्रेस के जो खास लोग हैं यूथ विंग उसको काम करना होगा। टिकट देते वक्त भी कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, जैसे शंकर पन्नू एक हैं जो इस चुनाव के अंदर बड़े एक्टिव थे, करणपुर चुनाव के अंदर शंकर पन्नू ने शायद पहले भी चुनाव लड़ा था लोकसभा का, वो इस प्रकार के जो लोग हैं, शंकर पन्नू हैं, रामस्वरूप मांझू हैं, तो रामस्वरूप मांझू चूंकि रिजर्व सीट है तो इसलिए उनको तो शायद टिकट ना मिले, लेकिन शंकर पन्नू अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो हर इलाके के अंदर जाने जाते हैं। तो इसलिए ऐसा उम्मीदवार लाया जाए जिस उम्मीदवार को सब तरह के तबकों का सपोर्ट मिल जाए, दलितों का सपोर्ट, दलित समुदाय भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, और सरदारों में 2-3 खेपें होती हैं तो उन दोनों उनका सपोर्ट मिल जाए, शहर की मंडियां जो हैं उन मंडियों के अंदर अरोड़ा और दूसरे समाज के लोग बहुत सक्रिय हैं और बहुत रूप से वो प्रभावी हैं, अपने अपने विकास को लेकर के वो कॉन्शियस भी हैं, और सारे मेरे ख्याल है अब तो काफ़ी अच्छी एजुकेशन होगी तो उस कारण वो सब बातों को समझते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को जो सामाजिक गठबंधन है उसको भी ठीक करना पड़ेगा, और अपने आप को अभी से सक्रिय करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो कांग्रेस एमपी के चुनाव के लिए, लोकसभा के चुनाव के लिए बीजेपी को शिक्ष दे सकती है। लेकिन इतना मान लेना कि करणपुर जीत लिया इसलिए लोकसभा के चुनाव का नक्शा बदल देंगे, ऐसा मुझे लगता है मुश्किल बात है, ऐसी बात किसी को करनी भी नहीं चाहिए। हाँ ये जरूर है इससे आपको दिशा मिल गई, इस दिशा के अंदर कार्यकर्ताओं को उत्साह मिल गया, इसका लाभ लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो ही कुछ ना कुछ बनेगी। थैंक यू जी। जी जी फिरोज जी, जिस तरीके की बात अशोक माथुर सर कह रहे हैं अभी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, कि एक तरीके से हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अति आत्मविश्वास की, जो शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी में भी एक सीट पर अभी जीत जो मिली है, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हार मिली फिर उसके बाद तमाम सारे उसके कारण सामने ला करके रखे गए और अब ये जीत मिल गई, तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस उसको अपने अति आत्मविश्वास में ले ली कि नहीं नहीं जनता जो है अब तुरंत इनसे नाराज हो गई है और अब लोकसभा में हमारे बहुत फेवर में रहेगी। तो एक तो छोटा सा जवाब है उस पर मैं चाहूंगा आपका, दूसरा ये जो विधानसभा सीट रही क्या वजह देख रहे हैं वहां पर कांग्रेस की जीत की, कि मेन चीज भाई जिस तरीके से भजनलाल शर्मा कैबिनेट बनी उन्होंने सिलेंडर के लिए भी अनाउंस कर दिया है कि भाई नहीं 450 में सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के साथ जो सिंपथी वोट था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट निकल गया वहां पर, उसने निर्णायक भूमिका निभाई? राय साहब ये तो सबसे पहले तो ये जो वहां की जनता ने जो कांग्रेस को जीत दी है उस सबके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बीजेपी के लिए करारा जवाब है, जिस स्टेट के अंदर नई नई सरकार बनी वो बीजेपी की, और जिस सरकार
मोदी जी दावा करते हुए कि मेरी गारंटी पे सरकार बनी है, उनकी गारंटी को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। उसका बड़ा कारण ये रहा कि ये तानाशाह इतने ज्यादा तानाशाह हो गए, आत्मविश्वास इतने ज्यादा हैं कि लोगों को अब बस मोहरा समझने लगे हैं कि अभी लोग कहाँ जाएंगे। इनके टीटी जी को पहले ही मंत्री बना दिया तो लोगों को मैसेज दे दिया कि तुम बनाओ या ना बनाओ, तुम मजबूरी है तुम्हारी, इनको बनाना पड़ेगा। तो जनता ने उनको एक ऐसा करारा जवाब दिया है कि जनता जिसको राजा भी बनाती है, किसी को रंक भी बना देती है। जनता के पावर ही लोकतंत्र में सारी पावर होती है। दूसरी बात ये कि राय साहब, हम पहले जीत हो या हार हो, हम बिल्कुल भी यानी कि आत्मविश्वास से नहीं भरते हैं या हम ज्यादा उड़ते भी नहीं है, वो वाली बात है। हम बिल्कुल, अगर हमें जनता जिताती है तो हम जनता का धन्यवाद देते हैं और जनता ही जिताती है, और जनता अगर हमें नहीं जिताती, हरा भी देती है, तो उनका जो भी शर्मा थे, जो भी वो बहुमत देते हैं वो शर्मा थे, जनता ही सारे काम करने वाली। लेकिन जनता ने इस चुनाव के अंदर राय साहब दिखाया है कि हमने सरकार को चुना, जिस सरकार को कैबिनेट बनाने में यानी मंत्रिमंडल विस्तार करने में 1 महीना लग गया, वो चिट्ठी की सरकार जो दिल्ली से चिट्ठी आती है, उस चिट्ठी में यानी कि सीएम के नाम तय किए जाते हैं और उनके विभागों को, विभाग बंटवारे को लेकर के भी काफी टाइम लगा दिया, और उस सब का जवाब जनता ने दिया है। जिस तरीके से राजपूत समाज हो, जाट समाज हो, गुजर समाज हो, और क्या बोले अपने SC ST हो, इन सबको जिस तरीके से इन लोगों ने अवॉइड किया है, उस सबका इन्होंने नजारा दिखाया है। ये तो सिर्फ छोटा सा एक टेस्ट था। आगे आप देखना MP चुनाव में भी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने चिरंजीवी योजनाएं बंद कर दी, सरकार बनते ही इन्होंने रोजगार देने का दावा वादा किया था और इन्होंने आते ही 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया, और गांधी प्रेरक जो थे 50,000 नियुक्तियां होनी थी उनको रद्द कर दिया, और बहुत सारे विभाग, राय साहब बहुत सारे विभाग में पड़ रहा था जिनके अंदर जो सेनानिवृत्त कर्मचारी जो अपनी सेवाएं देते थे विभागों के अंदर, उनको भी हटा दिया गया। तो जो सरकार दावा करती थी सरकार बनने से पहले कि हम लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, वो सरकार लोगों का रोजगार छीन रही है, तो उन लोगों को पता लग गया। जिस तरीके से इन्होंने वादा किया था कि 450 रुपए में हम सिलेंडर देंगे, लेकिन इन्होंने राज्यसभा में कह दिया था कि अभी कोई हमारा मन नहीं है, और चिरंजीवी योजना को इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये सब जनता समझ चुकी है। और जिस तरीके से अभी हिट एंड रन वाले मामले में जो ये केस कानून जो नया लाए हैं, जिस तरीके से पूरे देश के जो ड्राइवर भाई थे वो पूरे देश पे रोड पे चक्का जाम लगा दिया उन्होंने, क्योंकि साहब देखो कोई भी आदमी हो, मैं भी ड्राइवर हूँ, क्योंकि मैं बाइक चलाता हूँ या गाड़ी चलाता हूँ तो मैं भी ड्राइवर हूँ और आप भी हैं। हम जान करके एक चींटी को भी नहीं मारना चाहते, लेकिन कोई कारणवश ऐसी स्थितियां हो जाती है कि एक्सीडेंट हो जाता है आदमी से, अगर वो वहां पे मौके पे रुकेगा तो उसे लोग मार देंगे। और अगर मैं जैसे मैं अपने स्टेट से बाहर जा रहा हूँ, जैसे मैं मान लो अपन मैं MP गया, तो मुझे क्या पता कौन से एरिया में एक्सीडेंट मेरे से हुआ है, वहां पे कौन सा थाना है, क्या है क्या नहीं, मेरी पास डिटेल्स थोड़ी होती है। बहुत से ड्राइवर भाई हमारे SAP हैं जो बेचारे अनपढ़ हैं, जो सादा मोबाइल ही चलाते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है। तो ये सब कानून BJP जो भी कानून लाती है पहले लोगों से चर्चा नहीं करती है, ये सीधा कानून बना करके पारित कर देती है, फिर इसको मजबूर बस जब जनता इनको नकारती है, डिनाइड करती है, तब इन कानूनों को वापस लेते हैं। सेम कंडीशन इन्होंने राय साहब किसानों के साथ में की थी। भाई जो भी कानून आप बना हो, कम से कम जिन लोगों के लिए बना रहे हो उनके प्रतिनिधियों से, आम लोगों से उसके बारे में चर्चा तो करो, कम से कम वो तुम्हें बारीकियां बताएंगे, वो तुम्हें इसकी कुछ अच्छाइयां बताएंगे जिसे आपको बनाने में, आपको लागू करने में इनकी मदद मिलेगी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये किसी से चर्चा ही नहीं करते। इनको तो संसद भी बिल्कुल विपक्ष विहीन चाहिए, जहां पे कोई नहीं होना चाहिए, इनके सारे मन मर्जी के फैसले होने चाहिए। पहली बार देश के अंदर मैंने देखा है इतनी संख्या में इनकी सांसदों को इनकी निलंबन कर दिया गया सांसदों का संसद से, और कोई सुरक्षा नहीं है। जो सेंट्रल विस्टा इतना बड़ा प्रोजेक्ट था उसके अंदर आम आदमी घुस गए राय साहब, जहाँ पे यानी कि वो कैनल लेकर के फेंक रहे हैं वो धुएं वाली। अगर ये तो आम आदमी थे, जब इन पे ही सुरक्षा एजेंसियां इनको चेक नहीं कर पाई, तो आतंकवादी वो होते हैं, वो तो बहुत मजे हुए आदमी होते हैं, बहुत सारी चीजें जानने वाले होते हैं, वो तो हमारी एजेंसी को कभी भी चकमा दे सकते हैं, और संसद के अंदर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठे होते हैं, उनको कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये सब जनता जान चुकी है, ये सिर्फ धार्मिक मुद्दे बनाते हैं, ना कि लोगों के रोजगार। फिरोज जी का शायद कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी रिस्टोर होते हैं तो फिर उनकी बात पूरी सुनी जाएगी। ये जरूरी है कि जिस तरीके से विधानसभा का ये चुनाव हुआ, हाँ फिरोज जी अपनी बात पूरी करें।
जी, तो ये राय साहब क्या है कि ये लोग बिल्कुल रोजगार पे कोई बात ही नहीं करते हैं, इसका जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है। और जिस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े समुदायों को नेग्लेक्ट किया है, मिनिस्टर मंत्री पद में भी, और तो ये जनता एमपी चुनाव में इनको बहुत अच्छा एक रिजल्ट देगी, इनको बहुत अच्छा करारा जवाब देगी, और एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो केंद्र में एक दोबारा से बनेगी। और मैं कह रहा हूं कि वो जो जन जन कल्याणकारी जो योजना है उनको फिर दोबारा से शुरू किया जाएगा, राजस्थान के अंदर हो या पूरे देश के अंदर हो, लोगों के जो पिछली पंक्ति के अंदर जो लोग खड़े हुए हैं उनके अधिकारों के बारे में ऐसी योजनाएं, अच्छी योजनाएं बनाई जाएंगी जो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान राजस्थान के अंदर बनाई थी आमजन के लिए, वही फिर केंद्र में दोबारा से आमजन के लिए बनाई जाएंगी। राय साहब जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। अभी जिस तरीके से बातचीत हुई, जिस तरीके से विधानसभा का ये चुनाव हुआ, इसमें देखा गया कि सचिन पायलट वहां पर विधानसभा क्षेत्र में गए, वहां पर उन्होंने कैंप किया। इसके इतर जब भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव लड़ते हैं वो तरीका कहीं नहीं देखा गया। वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरीके, जो अभी जिक्र फिरोज ने किया कि नेग्लेक्ट किया गया, उनका सरकार में उनकी नहीं चलने दी गई, मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री का निर्णय लेने में किस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया गया, जो पर्ची का सिस्टम लाया गया, स्टेज पर खुलवाया गया, उसको सारी जनता ने देखा, तो एक नाराजगी धीरे धीरे वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के भी थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल में लगातार इस बात पर भी सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया शांत रहेंगी या वो अंदर खाने कुछ ना कुछ जो है अपना प्लान करती रहेंगी, काम करती रहेंगी कुछ इस तरीके का, और उसका नुकसान आने वाले चुनाव में भाजपा को होगा। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआती नुकसान तो दिख ही गया है। इसके साथ साथ एक चीज और थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये मंत्री बनाया सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को, विधायक जो विधानसभा का चुनाव लड़ करके जीत करके आए थे, महीनों वो मशक्कत करते रहे, एक महीने का समय लगभग लग गया था मंत्रिमंडल बनाने में, तमाम सारे विधायक उसके लिए लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन जो ट्रेंड होता है भारतीय जनता पार्टी का तमाम राज्यों के चुनाव के बाद, जिस तरीके से देखा जाता है कि कैसे ये चुनाव में जो लोग जीत करके आए आए रहते हैं उनको किनारे कर दिया जाता है, जो चुनाव हारे रहते हैं उनको अहम मंत्रालय में बैठा दिया जाता है, जो लोग चुनाव लड़ करके जीत करके आए रहते हैं वो बैक वेंचर्स हो जाते हैं, और जो लोग दूसरे सियासी दलों से टूट करके आए रहते हैं और वो चुनाव जीतते हैं तो उनको मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाती है, तो इस तरीके का जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार करती आ रही है, हालांकि कुछ राज्यों में इसको सफलता भी मिली है, सफल भी हुआ है ये प्रयोग, लेकिन कहीं कहीं इसके नुकसान भी दिख रहे हैं और वो नुकसान जो है वो ज्यादा बढ़े हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव चूंकि अब सामने आकर के खड़े हो गए हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है, इस लिहाज से इसको लेकर के खासी चर्चा की जा रही है। बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है और ये जो झटका लगा है उसकी मैसेजिंग अच्छी नहीं जाएगी। अब मैं एक दर्शक की बात कर लूं, उनका कहना है कि भाई पत्रकार लोग आप लोग दूर की नहीं सोचते, ये चुनाव भाजपा जानबूझ करके हारी है ताकि ईवीएम पर चल रहे बवाल को कि जो है उसको कम किया जा सके और इस सीट से जीतने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सीट जीतने या हारने से भाजपा को भले ही फर्क ना पड़ रहा हो आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन जो मैसेजिंग है, चूंकि चुनावी वर्ष है, देश में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व होता है वो सामने है अब, और कुछ दिन शेष बचे हुए हैं राम मंदिर के बाद, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये माना जा रहा है कि चुनाव कभी भी घोषित हो जाएगा, ऐसे में जो मैसेजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अभी जहां महीनों की मशक्कत के बाद चूंकि कैबिनेट का गठन हुआ था, पहले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के इतनी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी भाजपा में, मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं हो पा रहा था, फिर उसके बाद जो है ये देखा गया कि मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा है, उसको लेकर के तमाम तरीके की टोंटबाजी हुई, तमाम कमेंट आए, तमाम तरीके के प्रहार जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किए गए, तमाम तरीके के सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठाए गए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में सरकार नहीं बना पा रही है, मंत्रिमंडल नहीं बना पा रही है, बिना मंत्रिमंडल के सरकार चल रहा है, और ये सारी चीजें, ऐसे में ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष होने के नाते ज्यादा महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें, और सारा खेल जो है वो मैसेजिंग का होता जा रहा है एक तरीके से, मैसेजिंग जो मैसेज जा रहा है, जो संदेश लोगों के बीच में जा रहा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अशोक माथुर सर, सचिन पायलट कैंप करते हैं वहां पर जाकर के, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के अंदर वो चीजें नहीं देखी गई, तो कहीं ना कहीं क्या वसुंधरा राजे सिंधिया के इस चुनाव से दूरी बनाया जाना भी इस हार की एक वजह है, और वसुंधरा की नाराजगी जो बताई जा रही थी उसके उससे जोड़ करके इसको देखा जा सकता है घटना को? हाँ, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, पर वो सोचना भी मैं समझता हूँ उचित इसलिए नहीं है कि जब आप लोकतंत्र के अंदर एक लोकतांत्रिक संगठन को चलाते हैं,
एक व्यक्ति को इतना महत्व दिया जाना या एक व्यक्ति की पूजा करना उचित नहीं है। लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि खाली चुनाव हो जाएं और चुनाव में कोई जीत जाए, कोई सत्ता में पहुंच जाए। बैलेट से आप सत्ता को काबिज कर लेते हैं, बुलेट से नहीं करते हैं, ये एक अलग अलग बातें हो सकती हैं। लेकिन एक बात है कि लोकतंत्र का जो ओवरऑल करेक्टर है, वो ओवरऑल करेक्टर हमारी डेमोक्रेटिक संस्थाओं में भी दिखाई देना चाहिए। जैसे चुनाव लड़ रहे हैं आप, उन जो लोग चुनावी पार्टियों में हैं, उन लोगों को अपने अपनी पार्टियों में भी डेमोक्रेसी की करेक्टर को उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो ओवरऑल वो प्रयोग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक कमांडरशिप स्थापित करना चाहते हैं, और वो चूंकि उनका ओरिएंटेशन ऐसा है, जो उनका मूल ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, उस मूल ऑर्गेनाइजेशन का तरीका यही है कि ऊपर का आदेश आया है या ऊपर की सत्ता ने जो कहा उसको अंधश्रद्धा के तरह उसको फॉलो करना है उनको। अब राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आगामी लोकसभा चुनाव के लिए, ऐसा माना जाता है। लेकिन राम मंदिर के बाद में क्या करेंगे आप? राम मंदिर की जब बात आती है, धर्म को लेकर लोग बहुत खुश हैं, उसमें आदिवासी भी हैं, उनमें दलित भी हैं, लेकिन बहुत खुश हैं। लेकिन क्या होगा? अंदर तो धनवान जाएगा और बाहर जो भिखारी होगा वो कहाँ जाएगा? जो गरीब आदिवासी है वो कहाँ जाएगा? गरीब आदिवासी क्यों? हमारी राष्ट्रपति राम मंदिर में नहीं जा रही, शंकराचार्य को राम मंदिर में नहीं बुलाया जा रहा, जो हिंदुओं के धर्म गुरु हैं। ये क्या चरित्र दर्शाता है कि धर्म का काम जो है वो कोई महंत पुजारी, आप जैसे हमारे योगी जी हैं, कि योगी जी गुरु गोरखनाथ के मंदिर में जहाँ गोरखपुर के अंदर बैठते हैं वहाँ के महंत हैं, तो पहले तो वहाँ की आरती करिए ना, वो आरती कर लीजिए। फिर इसी ढंग से इस राम मंदिर का कोई महंत अगर बन रहा है तो वो महंत पूजा पाठ जो भी कुछ करना है वो करे, उसका उद्घाटन एक राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष संविधान के चलते हुए। कोई राजनीतिक पार्टी जो चुनाव लड़ती है, जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है और इस संविधान को मानती है, उसको इस प्रकार के स्थानों पर मेरे ख्याल से जाना भी नहीं चाहिए। आपका मैसेज क्या जा रहा है? आपका मैसेज जा रहा है कि आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, तो ये मैसेज क्या कह रहा है कि आपके धर्मनिरपेक्ष जो संविधान की परिकल्पना हमारे संविधान को बनाने वालों ने रोज बनाई थी और संविधान का जो निर्देश है उसकी पालना आप नहीं कर रहे हैं। अगर ये मजारों पे चादर नहीं चढ़ाते, हमारे अजमेर में दरगाह शरीफ है उस पे चादर चढ़ाने धर्मात्मा लोग आते थे, जिन लोगों को उनका फिल्मी अभिनेता भी आते हैं, और बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि दरगाह में जो मन्नत मानते हैं वो पूरी हो जाती है, तो वो हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सभी जाते हैं वहाँ पे। लेकिन एक बड़ी चीज ये है कि एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के तहत उस संवैधानिक संस्था का सदस्य और उस प्रकार के संवैधानिक सभा संस्था में जाने वाले लोग, उस प्रकार के राजनीतिक पार्टियों के लोग इस प्रकार की चीज क्यों कर रहे हैं? अच्छा लोग कर रहे हैं तो इसके बाद फिर आगे क्या है? इसके बाद सोशल इकोनॉमिक इश्यूज आप उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? इसके बाद हिंदू के लड़के को भी रोजगार चाहिए, मुसलमान के लड़के को चाहिए। मुसलमानों को हो सकता है कि कोई एक पार्टी टिकट ना दे, मुसलमानों का सोशल बायकॉट कर दे, वो हो सकता है कि उनमें से किसी को मंत्री ना बनाए, स्थानीय संस्थाओं में भी उनकी भूमिका ना हो, लेकिन उसके बावजूद जो रोटी रोजी का सवाल है, जो हमारे देश की तरक्की का सवाल है, हम कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हमारे परसेंटेज उठा के देखिए कि हमारे रिसर्च वर्क क्या है, कितने लोग हमारे वैज्ञानिक बन रहे हैं, कितने लोग चिकित्सक बन रहे हैं, कितने लोग हमारे कहाँ जा रहे हैं, और क्यों इतनी बड़ी तादाद में नौजवान लोग माइग्रेट होकर विदेशों में जा रहे हैं, उनको अपना भविष्य विदेशों में ही क्यों दिखाई दे रहा है? राम मंदिर के बाद क्या ये मुद्दा उठेंगे क्या? और वो क्यों नहीं उठाएंगे जो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सत्ता में जाने वाले हैं? उनको भी उठाना पड़ेगा ये मुद्दा। अगर नहीं उठाएंगे तो ये राम मंदिर का मुद्दा, एक मैं देख रहा था एक कॉमेडियन शो, उसने कहा था राम मंदिर बन जाएगा उसके बाद मेरी गली का गोबर साफ होगा या नहीं, तो गोबर साफ होगा या नहीं इसके पीछे प्रतीकात्मक बात है, ये पूरा एक राजनीतिक विषय। उसके बाद क्या? अभी लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, हो सकता है दोबारा हम मोदी जी को रिपीट करें या भाजपा की सरकार बन जाए और भाजपा की सरकार भी बन जाए और नागपुर का जो असली केंद्र है, जो ग्रेविटी सेंटर है इनका, वो नागपुर का सेंटर और प्रभावशाली हो जाए, और प्रभावशाली होने के साथ साथ में वो प्रधानमंत्री के नाक में भी नकेल डाल सकता है, उनका ऐसा सामर्थ्य है। इसका मतलब हमारा जो लोकतंत्र का संविधान है, जो लोकतंत्र का मुलंबा है, लोकतंत्र का नकाब है, वो नकाब उतर जाने वाला है। और ये जो खतरा पैदा हो रहा है, ये खतरा अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास में अभी ये बहुत अच्छा विकल्प है
कि आप लोकतांत्रिक, आप एनडीए इंडिया बनाया है आपने, अच्छी बात है, सब विपक्ष को साथ लेके चले, ऐसे ही तमाम सब लोगों ने इकट्ठे होकर के कांग्रेस को सत्ता से हटाया। तो कभी हम इसको सत्ता से हटाते हैं, कभी हम उसको सत्ता से हटाते हैं, तो इंडिया बन गया, अच्छी बात है, लेकिन इसमें मूल मुद्दा लोकतांत्रिक चरित्र का होना ही चाहिए। अगर लोकतांत्रिक चरित्र को हम विकसित नहीं कर पा रहे, हमारे मतदाताओं को राजस्थान में ऐसा सोचा जा रहा है कि जस्टिस तारकुंडे और जयप्रकाश नारायण ने वोटर्स काउंसिल बनाई थी ऑल इंडिया लेवल पर, उनका मानना था कि मतदाता संगठित होना चाहिए और संगठित होकर के उसको अपनी इस प्रकार का प्रशिक्षण होना चाहिए तो कैसे वोट पोल करे। सुबह मतदाता हो सकता है कि भाजपा को वोट डाले, शाम को मतदाता है कांग्रेस को वोट डाल देता है, इसका मतलब क्या है कि उसका पॉलिटिकल विजन नहीं है, वो लाभ हानि देख रहा है या व्यक्तिगत उनके प्रभाव में आ रहा है या बिक रहा है, ऐसा शब्द लगाता हूं मैं, बिक रहा मतदाता के लिए अनरेस्पेक्टेबल है। मैं मतदाता को रेस्पेक्ट देना चाहता हूं, क्योंकि उसको तो जैसा हमने सिखाया है वही तो वो सीख रहा है, जैसा मीडिया सिखा रहा है, जैसा राजनीतिक पार्टियां सिखा रही हैं। अभी बहुत अच्छा देश के सामने, हालांकि निश्चित तौर पे घनघोर अंधेरा है, लेकिन जब घनघोर अंधेरा होता है तो सूरज जरूर चमकता हुआ उजागर होता है। इन्हीं सब के अंदर हमारे देश के अंदर एक नई लहर भी चलेगी और नई लहर के अंदर हमारा मतदाता संगठित भी होगा और उसको ये सब मुद्दे सामने आ जाएंगे। उस दिन पर्यटन समझ लीजिए, धार्मिक आस्था समझ लीजिए, लोग अयोध्या के लिए प्लेन से जाएंगे, भगवा पहन के जाएंगे, उस दिन ये सब हंगामा एक साल दो साल तीन साल चल लेगा। उसके बाद द्वारका मंदिर जो बना गुजरात के अंदर, चाचा नेहरू ने बनाया था, सरदार पटेल और चाचा नेहरू की उसमें बड़ी भूमिका थी, लेकिन अभी वो केवल एक पर्यटन केंद्र मान लीजिए, या कुछ लोग अपने टली बजाने के लिए धार्मिक, उसको लगता होगा कि वहां पे द्वारका मंदिर के अंदर जाने पे उनकी कोई धार्मिक आस्था पूरी होती है, लेकिन वो वाली बात नहीं है। और नेहरू जी को उसका फायदा भी नहीं मिला कभी, जबकि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के अंदर जो गुजरात के अंदर जो पहले उसकी पूर्ति उन्होंने बहुत जल्दी करी थी, लेकिन उसको, और ये जो ताला खुलवाया गया था राम मंदिर का, ये भी तो कांग्रेस ने खुलवाया था। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि करणपुर का चुनाव हो या कहीं का भी चुनाव हो, उसके अंदर जो मुद्दे हैं, और कांग्रेस पार्टी को सब विपक्ष को साथ में लेकर के अब ये तय करना चाहिए कि वो किस लाइन के ऊपर चलेगी, क्योंकि आगे भविष्य जो है हमारे मुल्क का उसी लाइन पे डेवलप होने वाला है। अगर हम किसी की नकल भी करेंगे, कटिंग पेस्टिंग भी करेंगे, तब भी आप दुनिया के नक्शे पे, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, आप लोगों को बहला सकते हैं कि हम मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, हम सूर्य के पास पहुंच गए हैं, आप ये सब जो बातें हैं, लोगों को, सामान्य लोगों को तो पेट की जो गहराई है, पेट पाताल में जा रहा है, उसकी चिंता सता रही है। आपने कहा था कि किसानों को डबल आमदनी कर देंगे, अभी करणपुर चुनाव में ये बड़ा मुद्दा था। इसी ढंग से मोदी जी आए थे करणपुर के पास में, सुरुतगढ़ है वहां पे, उन्होंने सोयल कार्ड एक जारी किया था, सोयल हेल्थ कार्ड, जमीन का एक हेल्थ कार्ड जारी किया था। तब ये कहा गया था कि हमारे खेत में एक वैज्ञानिकों की टोली जाएगी, एक गाड़ी जाएगी लैब के साथ में, और वो वहीं की वहीं मिट्टी टेस्ट करेगी, मिट्टी टेस्ट करके बताएगी इसमें क्या खाद डालेंगे, क्या हो। इतना बड़ा प्रोग्राम मोदी जी ने किया, हजारों लाखों लोग इकट्ठे हुए, लेकिन भाई हमने तो जमीन पे कहीं नहीं देखा, मैं तो गांव गांव भटकता ही रहता हूँ, मैंने तो जमीन पे कहीं वो सोयल हेल्थ कार्ड वाला मामला देखा नहीं, और कृषि विभाग को इतना सक्रिय होता देखा नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में स्वागत है, लेकिन जो लोकतंत्र का आनंद लेना जानते हैं उसको अपना लोकतांत्रिक चरित्र बनाना पड़ेगा। लोकतांत्रिक चरित्र के लिए अनिवार्य बात क्या है कि मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं हो। हम सबको मिलकर के अगर भारत को वास्तव में विश्व गुरु बनना है तो हम सबको मिलकर के ये कोशिश करनी पड़ेगी कि भारत में लोकतंत्र मजबूत हो, जैसा हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष संविधान को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। धर्मनिरपेक्ष के साथ एक शब्द और है जिसको आजकल छुपाया जा रहा है, वो क्या है, समाजवाद। अगर भाई दोबारा मोदी जी आ गए तो सबसे पहला तो मुझे लग रहा है चाकू इसी पे चलने वाला, क्योंकि ये समाजवाद नाम की चीज है, तो सामान्य लोगों को ये भी सिखा रहे हैं कि भाई पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इसलिए समाज में सब बराबर नहीं होते। ये भी सिखा रहे हैं कि मनुस्मृति में जो कुछ लिखा है वो सब सही है। मनुस्मृति में तो ये लिखा है कि दलित का पैसा तो धनवान ले सकता है, लेकिन दलित को आप इज्जत नहीं देंगे। तो ये सारी बातें इसलिए हैं कि डेमोक्रेसी करेक्टर को तो हमें किसी भी ढंग से बताना है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई और जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि नहीं तो चुनाव की जब पद्धति तो हो जाएगी, कोई जीत जाएगा कोई हार जाएगा,
लेकिन उसके बाद भी आपके ऊपर तानाशाही किसी न किसी प्रकार की रहेगी, किसी न किसी प्रकार से फासिज्म रहेगा। हिटलर भी तो ऐसे ही आया था। धन्यवाद जी। निश्चित तौर पर सर, अशोक सर ने भी, अभी अशोक माथुर सर ने भी इंडिया गठबंधन का जिक्र किया, फिरोज आपने भी किया था। अभी तक एक चीज देखी जा रही है, इंडिया गठबंधन को लेके बहुत बड़ी बात कही जा रही है, लगातार उस पर चर्चा भी हो रही है। चूंकि चर्चा की मुख्य वजह यह है कि भाजपा और उसके जो साथी दल हैं वो भी लगातार इंडिया गठबंधन को टारगेट करके बयान देते रहते हैं, यानी वो भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को लेकर के चर्चाएं रहें, सुर्खियां रहें, कि वो लगातार उसके जो नकारात्मक पक्ष हैं उसका जिक्र करते हैं। और उसमें सबसे जो अहम चीज है वो सीट शेयरिंग को लेकर के बात हो रही है। उस सीट शेयरिंग के सहारे जो है इसमें एकजुटता जो है उसको उस पर सवाल उठाया जा रहा है। ये लगातार देखा जा रहा है कि जो एकता पहले शुरुआती दौर में इंडिया गठबंधन के अंदर देखी गई थी, उनके दलों में देखी गई थी, वो अब नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में जनता कितना भरोसा करेगी इस इंडिया गठबंधन को लेकर के। दूसरा कि जो इश्यूज उठाने की बात है, अभी तक जिस तरीके से सीट शेयरिंग पे देखा जा रहा है कि आप लगातार मंथन चल रहा है, तो अगर ये मंथन इतने लंबे लंबे जब इस तरीके के मंथन चलेंगे तो फिर इश्यूज की बात कब होगी? क्योंकि भाजपा तो लगातार 365 दिन वो अपने चुनावी मोड में है, वो गांव गांव अपने संपर्क में लगे हुए हैं, वो निचले स्तर तक लोगों के साथ वोटर्स को जोड़ने में लगे हुए हैं, और फिर उनके पास राम मंदिर जैसा एक इवेंट भी हाथ में आ गया है। तो ऐसे में कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन हो, अभी तक इन्होंने अपनी चीजों को साफ नहीं किया है। कैसे होगा ये चुनाव, और कैसे जो आप दावा कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन सरकार बना लेगी, जीत उसको अच्छी जीत मिल सकती है, तो ये कैसे संभव होगा? ऐसा सबसे पहले बात ये बन रहा है, सभी देशवासियों को मैं शुभकामना है और अच्छी बात है, आस्था की विषय है, बनना चाहिए। लेकिन सब लोगों को पता है कि बीजेपी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है राय साहब, लेकिन बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया आस्था के आधार पर दिया हुआ फैसला है जिसको हम सब ने स्वीकार किया है। और सबसे पहले इसका जो ताला था वो हमारी पार्टी के द्वारा खोला गया था। बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही, इनकी कोशिश कर रही है, जिसके अंदर अशोक माथुर साहब ने कहा था कि जिस देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा है, जब देश की संसद का उद्घाटन हुआ था उसमें देश की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो दलित है, क्या उसके आने से मंदिर गंदा हो जाएगा, खराब हो जाएगा? तो ये किस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं कि एससी एसटी को हम इनके मंदिरों में बुलाएंगे नहीं और वोट इनका भी लेंगे? तो अब वैसे राय साहब देखो, हर आदमी समझदार है और राम सबके हैं, एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, सबके हैं। तो उसमें बीजेपी को अब लोग ज्यादा बहुत समझदार हैं, बीजेपी को उस लेवल पे लोग ले नहीं रहे हैं। हाँ, बात रही इंडिया गठबंधन की, राय साहब तो क्या है कि जब पूरे देश के अंदर बहुत राज्य हैं तो सब बात होगी, हर आदमी का जो वर्चस्व है वो राज्य के अंदर होता है, तो सभी पार्टियां सोच रही है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। तो उनपे क्या है कि लंबी वार्ताएं चलेंगी और जब उसके बाद सीट शेयरिंग हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि राय साहब, कांग्रेस और बिल्कुल ही मुद्दे उठा रही है, आपने देखा ये संसद के अंदर हमारे सांसद भी निलंबित किए गए, मुद्दे उठा रहे थे अड़ानी को लेकर के, सब मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही थी, किसानों की बातों को कांग्रेस पार्टी उठा रही थी। और शुरू से 3600 कौमों की अगर कोई बात करने वाली पार्टी तो वो कांग्रेस पार्टी है। अभी किसानों को लेकर के एक बात कहूं राय साहब मैं, कि पहले जो खाद का कट्टा था वो 50 केजी का आता था, इन्होंने उसे 45 केजी का कर दिया और रेट उसकी फिर भी कम नहीं की। राय साहब अभी लेटेस्ट में देख रहा था, परसों के दिन उस कट्टे को 40 किलो का कर दिया है, 40 केजी का कर दिया है और रेट फिर भी वही है। दावा किया था मोदी सरकार ने कि 2022 के अंदर मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, लेकिन राय साहब 2024 आ गई, किसानों की आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, उनकी लागत दुगनी हो गई। और अगर हम इन 9 सालों में किसानों की आत्महत्या का अगर रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो देश के अंदर ऐसा काला दिन, ऐसा काला दौर कभी भी नहीं आया। किसानों ने उन 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया, जिसके अंदर 750 किसानों की प्राणों की आहुति चली गई, जो बीजेपी की तानाशाह रवैये की वजह से गई थी, और इनको आखिर में वो कानून वापस लेने पड़े। और लिए थे तब भी कहा था कि हम एमएसपी बनाएंगे, लेकिन एमएसपी में भी इनका कोई जिक्र ही नहीं। जिस देश के अंदर, जिस देश 60% लोग कृषि पर निर्भर हो, तो उस देश के अंदर किसानों के लिए कोई सोचते ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है किसानों के बारे में कोई। अरे किसानों को फ्री का खाद बीज नहीं चाहिए, लेकिन उनकी फसल की जो मूल्य है, जो फसल की असल कीमत है, वो तो मिले कम से कम। राय साहब जो ये जो दावा करते थे, इनके कहते हैं ना, इनके शहर का जो मौसम है वो भी गुलाबी है और इनके जो दावे हैं वो भी गुलाबी हैं,
तो ये तो बीजेपी क्या है, सपने दिखा रही है। और राम मंदिर सब समझ चुके हैं, सारे लोग समझ चुके हैं कि ये कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला है, कोर्ट की वजह से ये बना है। दूसरी बात, अभी हम देखेंगे कि गुजरात सरकार ने जैसे वो बिल्किस बानो के रेपिस्ट जो थे उनको, यानी कि उनकी जो सजा थी उसको कम किया था और उनको रिहा कर दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा कल डिसीजन दिया है कि उन दोबारा से उनको 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा और वो दोबारा से जेल जाएंगे। देखो राय साहब, जो रेपिस्ट होते हैं उनकी भी कोई जात और धर्म नहीं होता, और जो महिला हैं वो सबकी हैं, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो ये एक तरीके से ऐसा मैसेज जो इन्होंने बीजेपी ने जो दिया है वो लोग अब समझने लगे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट देश के अंदर है वो कहीं ना कहीं इनपे बार बार मुद्दे फैसले कर रहा है और लोग उसे समझ भी रहे हैं, और उसी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये राम मंदिर का फैसला आया है, तो लोग समझदार हैं और लोग अब, अच्छी बात है, धर्म का मामला है, सारी चीजें हैं, लेकिन राय साहब जैसे माथुर साहब ने कहा था कि क्या हिंदुओं के बच्चों को भी रोजगार की जरूरत है, मुसलमान के बच्चों को भी रोजगार की जरूरत है, एससी के बच्चों को भी रोजगार की जरूरत है, एसटी के बच्चों को भी रोजगार की जरूरत है। और जिस तरीके से माथुर साहब ने कहा था कि एक मैं जो देख रहा था तो उसमें कहा गया था कि राम मंदिर बनने क्या बात, क्या मेरी गली का गोबर साफ होगा। तो इन इन बड़े मुद्दों पे भी ना बीजेपी को सोचना चाहिए, जिस तरीके से वो क्रेडिट इस चीज का लेने की कोशिश कर रही है। राम मंदिर अभी अधूरा है, अभी उसका काम चल रहा है, और इस बीच में 2024 के लोकसभा के चुनावों में क्रेडिट लेने के लिए अधूरे मंदिर का जिस तरीके से उद्घाटन किया जा रहा है, वहां के जो साधु संत हैं वो इस चीज को कह रहे हैं, मोदी की यानी विरोध कर रहे हैं कि एक राजनीतिक पार्टी जिस देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष यानी कि लोकतंत्र हो, उस देश में एक इतनी बड़ी पार्टी जो देश के अंदर काबिज है, देश के लोगों ने उसे चुनकर के भेजा है, वो किसी एक धर्म की बात कर रही है। मंदिर मस्जिद सरकार की हद में नहीं आते कि ये मंदिर मस्जिदें बनाएंगे या इनका क्रेडिट लेंगे। इनको तो राय साहब आम जन के बच्चे हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं, इस देश के सब गरीब तबके के वो अमीर तबके को सब लोगों को एक समान नजर से देखना और उनके लिए रोजगार के सुविधा मुहैया कराना। राय साहब मैं कल आंकड़ा पढ़ रहा था, लास्ट 9 साल के अंदर 13 लाख इंडियन देश को छोड़ चुके हैं, जो बड़े पैसे वाले थे वो क्यों छोड़ गए इस देश को, जिनके पास में बहुत बड़े इकोनॉमिक ग्रुप से वो आते हैं, जो सारे देश को छोड़ करके चले गए, तो वो समझदार लोग थे। देश के अंदर जो माहौल कड़वा कसैला जो कर दिया है देश का, छोटी सी जिंदगी है राय साहब, मेरी हो, आपकी हो या अन्य किसी आदमी की हो, छोटी सी जिंदगी है, सुकून शांति से जीना चाहिए। भारत हमारा विश्व गुरु है, वो तभी विश्व गुरु है जब इसमें सभी धर्मों के लोग, सभी वेशभूषाओं के लोग, सभी खान पान के लोग इस देश के अंदर भाईचारे के साथ में बहुत पहले से रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे, तो इसीलिए ये विश्व गुरु है और तभी ये महान है। एक कम्युनिटी से कोई भी देश मान नहीं होता, आप किसी भी देश के आंकड़े उठा के देख लीजिए, हमारी बगल में पाकिस्तान है, हमारी बगल में नेपाल है, जो एक धर्म विशेष के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी गणना कहीं पे भी नहीं होती, उनकी स्थिति बहुत खराब है आज। तो कोई भी पार्टी हो, मैं तो कह रहा हूं जिस तरीके से कांग्रेस तो हमेशा दबे कुचले लोगों की आखिरी पंक्ति में जो खड़े हुए लोग हैं उनकी आवाज हमेशा से उठाती आई है। उन्होंने तो जो राहुल गांधी जी जो है उन्होंने अडानी को लेकर के पहले भी खूब मुद्दे उठाए थे, जिसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उनकी सदस्यता को फिर दोबारा से बहाल किया गया। तो बीजेपी के जो मंसूबे उनको सब समझ चुके हैं, जिस तरीके से उन्होंने हिट एंड रन मामले में जो अभी ये कानून लाए हैं, इसमें बड़े संख्या में ड्राइवर हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं, तो सब लोग समझ चुके हैं, इनकी मंसाब को समझ चुके हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जिस तरीके से कहा था कि नागपुर का इनका जो सेंटर है ना वो ग्रेविटी सेंटर है, वहां से जो आदेश आते हैं उनको ये फॉलो करते हैं, लेकिन लोग समझ चुके हैं, अब पूरे देश के जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनको रोजगार की जरूरत है। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था ना राय साहब 2014 के मुद्दों सरकार में आने से पहले जो इनके वादे थे कि हम जब प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन मुझे वो धरातल पे कहीं 2 करोड़ रोजगार नहीं दिखे। 15 लाख हम सबके खाते में देंगे, लेकिन वो 15 लाख भी मुझे किसी एक के खाते में नहीं दिखे। और इनपे काला धन वालों के पहले लिस्ट हुआ करती थी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में, चुनाव जीतने के बाद में पता नहीं वो लिस्ट भी कहाँ गायब हो गई। तो लोग अब समझ चुके हैं, अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे, इंडिया गठबंधन का बहुत जल्दी सीट शेयरिंग हो जाएगा, उसके बाद में सब मिलकर के लड़ेंगे। जी निश्चित तौर पर ये अहम है मुद्दे जिनका जिक्र आपने भी किया, माथुर सर ने भी किया।
सर मैं चलते चलते आप दोनों से एक सवाल बहुत संक्षेप में समझना चाहता हूँ। अशोक माथुर सर आपसे शुरू करूंगा। सर ये जिन मुद्दों की चर्चा हम अभी कर रहे थे, ये मुद्दे अभी विधानसभा के चुनाव में भी उठे थे, लेकिन चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, कहीं पर भी इन मुद्दों का प्रभाव नहीं दिखा। तो क्या ये जो मुद्दे हैं वो लोकसभा के चुनाव में प्रभावी हो पाएंगे, विपक्ष के कुछ काम आ पाएंगे ये मुद्दे अगर इन मुद्दों पर विपक्ष चुनाव लड़ता है तो? ये बहुत स्पष्ट है, फिरोज जी नौजवान है, इनको बड़ा उत्साह है और बड़ी इनको आशा है, अच्छी बात है, शुभकामनाएं मेरी कामयाब हो। लेकिन ये कह रहे हैं जनता सब समझ चुकी, भाई जनता समझ नहीं चुकी अभी अभी। फिरोज जी आप जैसे बहुत सारे नौजवानों को जिस प्रकार ये मनुस्मृति लेकर के गांव गांव में पहुंच रहे हैं, ये जिस प्रकार से अपना संदेश लेकर गांव गांव में पहुंच रहे हैं, मोहल्ले में शक्ति केंद्र बना रहे हैं, औरतों के अभी हमारे यहाँ बीकानेर में पास में जो लड़कियां नौजवान महिलाएं थी उनका इन्होंने दुर्गा वाहिनी बनाकर एक बहुत बड़ा वो अनुशासित रैली निकाली थी। तो उसी प्रकार से उन्हीं से सीखिए जिनसे आपको लड़ना है। क्या सीखिए कि आप भी जाइए लेकर के गांधी को, आप भी जाइए लेकर लोहिया को, और कांग्रेस को गांव गांव में व्यक्ति व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। और क्योंकि पिछले 20 30 40 साल के अंदर हमने गांधी को कूड़ेदानी में डाल दिया, उसकी फोटो जरूर हमने दीवार पे लगा रखी है, उसकी फोटो जरूर हमने नोट पे लगा रखी है, लोहिया को तो बिल्कुल ही भुला दिया। अभी नौजवान से आप पूछे कि लोहिया जी तो लोग नहीं जानते, इस देश का भविष्य लोहिया जी के पास में है या गांधी जी के पास है। अगर कांग्रेस जन या इंडिया के लोग जो इंडिया गठबंधन में है वो इस मैसेज को लेकर के लोगों तक जाएंगे तो इनकी पोल तो अपना खुल जाएगी, और पोल इसलिए खुल जाएगी ये उसमें कहीं खड़े ही नहीं हो रहे, और जब ये पोल खुल जाएगी तभी लोग कोई निर्णय लेंगे। भावों में या आंधी के रूप में जो वोट डाले जाते हैं इससे परिवर्तन नहीं आ सकता। परिवर्तन इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि इनका काम कैडर बेस जो है कांग्रेस को अपना ढांचा या इंडिया गठबंधन में जो भी संगठन है मगर सेनापतियों का, सेना के सेनापतियों का जो जमावड़ा है उसको सेना तो भर्ती करनी पड़ेगी, सेना बनानी पड़ेगी, और सेना बनाकर अपने मैसेज को, जैसे अब आप लीजिए आप पार्टी को, आप पार्टी का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एजेंडा क्या है, वो कांग्रेस को उखाड़ने में साथ थी, आज वो कांग्रेस के साथ आ सकती है, लेकिन आने के बावजूद अगर डेमोक्रेसी में चुनाव जीत भी गए उसके बावजूद क्या वो लोहिया या गांधी को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं, क्या वो भगत सिंह को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं? भगत सिंह की फोटो वो लगाते हैं वो भी दीवार, भगत सिंह ने कहा था गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए तो इस आजादी का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इस हालात को सुधारने के लिए हमें जन साधारण के पास जाना पड़ेगा, स्कूलिंग करनी पड़ेगी और खास तौर से नौजवानों को ये काम करना पड़ेगा, तब ये जाकर के परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। धन्यवाद जी। फिरोज जी राय साहब देखिए ये सारे मुद्दे माथुर साहब ने जो कहा था कि युवा वाहिनी जो बनाई गई है, महिला वाहिनी जो बनाई गई है, ठीक है कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे दल हैं लेकिन ये कितनी भी महिला वाहिनी बना लें माथुर साहब, लेकिन जिस तरीके से अभी हमने देखा है बीएचक्यू एक यूनिवर्सिटी की जो लड़की थी उसके साथ में जिस तरीके से तीन लोगों ने बंदूक की नोक पे जो रेप किया था, वो तीनों के तीनों बीजेपी के आईटी सेल के पदाधिकारी थे, जो लोग इस कांड को करने के बाद में एमपी चुनाव में बीजेपी की जो सरकार बनी है उसमें उन्होंने प्रचार किया मोदी जी के साथ उनके फोटो, स्मृति ईरानी जी के साथ उनके फोटो, बीजेपी के बड़े सीनियर लीडरों के साथ उनके फोटो हैं। तो इससे भी एक मैसेज गया है कि ये कितनी भी महिला वाहिनी बना ले लेकिन ये महिलाओं की इज्जत नहीं करते। इनकी पार्टी से सबसे ज्यादा रेपिस्ट माथुर साहब आते हैं, कुलदीप सेंगर को हम उठा के देख लें, और अभी जो कबड्डी फेडरेशन के जो ब्रजभूषण सिंह जो थे उन्होंने अपने करीबी को जो बनाया, बीजेपी को ये भी एक फैसला बड़ा वापस लेना पड़ा, पूरे के पूरे उसको सस्पेंड करना पड़ा। तो ये सब इनकी क्या है माथुर साहब, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये युवा वाहिनी बनाते हैं, महिला वाहिनी बनाते हैं, लेकिन उन महिलाओं का ये इनके पार्टी के लोग बंदूक की नोक पे हो या अपने सत्ता के रसूख पे हो, उन बच्चियों का, उन महिलाओं का ये लोग बलात्कार करते हैं। इनकी बातों को सब लोग समझ गए माथुर साहब, और हम पहले से ही जमीन पे हैं। ठीक है राजस्थान के, हमारा राजस्थान के अंदर हमारा राय साहब वोट बैंक कम नहीं हुआ, 0.30% बड़ा है, लोगों में हमारी आस्था भी कम नहीं हुई है। ठीक है उन्होंने बीजेपी ने ध्रुवीकरण करने में जो आ, आ, जो आ,
निर्दलीय विधायकों का जो वोट बैंक था, निर्दलीय जो वोट बैंक था उन्होंने अपनी तरफ उसे शिफ्ट कर लिया है, इसलिए वो जीते हैं। बहुत सारी सीटें माथुर साहब आपने भी देखी होंगी क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आपने देखी होंगी बहुत सारी सीटें कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से आ रही है, 583 483 जैसे। जी जी, तो साहब इसमें क्या है कि जनता जी, हाँ हाँ बोले बोले बोले, तो जनता समझ गई है ऐसा, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, जनता समझ गई है युवाओं को रोजगार की जरूरत है, मुझ जैसे जो युवा है ना उनको रोजगार की जरूरत है, और हमारी जो महिला है ना उनको भी रोजगार की जरूरत है। तो क्या है कि जरूरत सब जरूरत ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि जो अशोक माथुर सर जिस ओर ध्यान लेके जा रहे थे कि बात वहां तक पहुंच नहीं रही है, युवा शायद अभी भी उन चीजों से खुद को जोड़ नहीं पा रहे हैं जो हमारी और आपकी जरूरतें हैं, हमारा और आपका जो भविष्य है, जिस तरीके से चीजें होनी चाहिए, इन सारी चीजों से युवाओं को बहुत दूर कर दिया जा रहा है। इसके लिए तमाम सारे जो हथकंडे हैं वो अपनाए जा रहे हैं, और धर्म भी उन्हीं में से एक चीज है, राम मंदिर उन्हीं में से एक चीज है। अब आज की तारीख में युवा गली गली घूम करके जो है अक्षत बांट रहे हैं, उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है इस समय कि हमारे पास क्या रोजगार है क्या नहीं है। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, अशोक सर रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन उन युवाओं के लिए वो युवा अक्षत बांट करके खुश हैं, वो उसी में चमक रहे हैं। तो ये चीजें समझनी होंगी हमें, लोगों तक जाना होगा और लोगों में भी इस चीजों को पहुंचाना होगा। जो जिस तरीके से जमीन पर भारतीय जनता पार्टी जा करके लोगों से कनेक्ट कर रही है, तो उनको वहां तक पहुंच करके और उसका नफा और नुकसान समझाना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और शायद 2024 का चुनाव भी इससे काफी कुछ प्रभावित होगा अगर इस तरीके का मुद्दे इंडिया गठबंधन लेकर के जमीन पर जाता है और लोग उससे जुड़ पाते हैं, तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा। अन्यथा तो भाजपा अपनी चीज कही रही है, और भाजपा निश्चित तौर पर बहुत मजबूती के साथ अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है, लोगों को कनेक्ट करने में लगी हुई है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का दायित्व तो और ज्यादा बढ़ जाता है, और खास करके कांग्रेस का। बहरहाल हमारी आज की चर्चा में इतना ही, चर्चा में शामिल होने के लिए अशोक माथुर सर और फिरोज भाई आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों का भी। हाँ जी।